सर इस मीटिंग के पीछे जो मकसद है, क्या हम भारत के जो महापरिवर्तन की बात कर रहे हैं, अपराध मुक्त भारत की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात कर रहे हैं, क्या उसका आगाज जो है 13 मई को जो कर्नाटक के रिजल्ट निकलेंगे, वहाँ क्राइम फ्री भारत मिशन की इस 21 लक्ष्यों के साथ महापरिवर्तन की क्या हम रूपरेखा उतार सकते हैं, जिसमें सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित होंगे? आपको जान के बड़ा ताज्जुब हो रहा होगा कि ये ऐसी बात हम कैसे कर रहे हैं और कैसे करने की हम हिम्मत कर रहे हैं, जहाँ इतने समय से इतने लोग हैं, वहाँ पर जो है कोई ये बात कैसे कह सकता है कि सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित हो जाएंगे? ठीक है ना? बिल्कुल कह रहा सब बात, तो ताज्जुब की बात तो है ही, क्योंकि आजकल नेतागिरी बहुत टॉप में चल रही है। नहीं, नेताओं ने तो हमें बर्बाद करके रखा है। वही अब आप नेताओं ने हमें एकदम बर्बाद करके रखा है। ये बताओ, कोई भी राजनेता हमको क्या ये बता रहा है कि हम जो है हमारे ऊपर उन्होंने गुलामों के वो नियम थोप के रखे हैं जो अंग्रेजों ने जानबूझकर भारतीयों को हीन भावना बनाने के लिए, उन्हें बनाए ह्यूमिलिएट करने के लिए, उन्हें ऑप्रेस करने के लिए और उन्हें फंसा के रखने के लिए बनाए थे? यही कारण है कि हमारे हर चीज में जो है ना बरसों लग जाते हैं और न्याय नहीं मिलता है। आ जाओ, अदरवाइज बताओ, साक्ष्यों को एक दिन में देखते हुए उसी दिन न्याय क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्यों नहीं मिल सकता है, ये तो पहले तो ये बताओ। बिल्कुल सही बात, मिल सकता है, लेकिन वही है कि सर रूल्स रेगुलेशन यदि टफ नहीं है तो यही होगा सर। नहीं, देखो, अंग्रेजों ने तो इस नियत से ये नियम कानून बनाए थे जिससे आपको वो ह्यूमिलिएट करे, आप में हीन भावना पैदा करे। तभी कोर्ट में कहा जाता था, मिस्टर तिवारी हाजिर हो, सही बात है सर, है? और आप ये देखिए, यदि आप जेल में जाते हैं तो आपको जबरदस्ती वहां पे अंडरवियर में नंगा बैठा दिया जाता है बिना कपड़ों के। ये सब आपको ह्यूमिलिएट करने के लिए, अपमानित करने के लिए, शोषित करने के लिए और लंबे समय तक फंसा के रखने के लिए बनाया गया था, जिससे आप ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध कुछ सोचने की औकात और हिम्मत ना रखें। रखें सही बात है। तो ये बात आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ सर। तो यदि हम आज की व्यवस्था को कहें कि राक्षसी व्यवस्था है, तो आपने पुरानी कहानी सुनी होगी कि राक्षस की जान जो है वो एक तोते में बिल्कुल होती थी। आपने सुनी वो कहानी कि नहीं सुनी? सही बात है तो सर, आज की राक्षसी व्यवस्था का तोता कौन है? आप कुछ अनुमान लगाने की स्थिति में हैं क्या? एक्चुअली अभी मैं मार्केट में हूँ। अरे आप 2 मिनट मार्केट में किनारे हो जाइए, ये बहुत बड़ी जरूरी बात कर रहे हैं आप जो है ना। यदि मैडम तिवारी भी साथ में हो तो उनको भी धैर्य रखने के लिए कह दीजिए, क्योंकि ये बात आके लिए फिर हम किसी दूसरी नहीं चीज में फंस जाएंगे। नहीं कोई बात नहीं, बताइए सर, मैं किनारे हो जाता हूँ। हाँ, तो मेरा आपसे निवेदन ये है कि जो आज की राक्षसी व्यवस्था है, इस राक्षस की जान जो है किस तोते में है, ये आपको अनुमान लग रहा है क्या? नहीं अभी तो अनुमान नहीं लगा तो पा मैं आपको बताऊं, उस राक्षस की जान जो है एक तोते में है जिसको राजनेता कहते हैं। हूँ। सही कह रहे हैं तो आप सर, हमारी, यदि हम इस राक्षसी व्यवस्था का अंत करना चाहते हैं, तो हमें राजनेता नामक व्यवस्था को पराजित करना होगा, राइट? सही और उसे हमें पराजित आज की व्यवस्था के तहत करना होगा। ये बात आप समझ रहे हैं क्या? हाँ बिल्कुल सही बात सर। मतलब ये बात जो है किसी दूसरे तरीके से नहीं हो सकती है, वो केवल इसी तरीके से हो सकती है। डू यू एग्री विद दैट? बिल्कुल सर, तो हमें जो अपना मॉडल बनाना होगा वो जो है इसी व्यवस्था के तहत बनाना होगा। अपन मॉडल की बात थोड़ी देर से करते हैं, क्या मैं एक आध दो महत्वपूर्ण बात पहले कर लूं जो कि जिस प्रयोजन से हमने आपको फोन लगाया है? नहीं कोई बात नहीं सर, प्लीज गो अहेड सर, नो हाँ, प्रॉब्लम। तो हमने आपको इस प्रयोजन से फोन लगाया है कि आप कर्नाटका में प्रवास करते हैं, क्या आप महापरिवर्तित कर्नाटका, महापरिवर्तित भारत
जिसमें गुलामों के नियम कानून बदल जाएंगे, आज की जो बादशाही क्रूर और भ्रष्ट व्यवस्था है वो बदल जाएगी, क्या ऐसी सोच आप रखते हैं? बिल्कुल रखते हैं सर। तो क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं कि आपके सर्कल में जो लोग जुड़े हैं, और विशेष तौर पे जो है ना आर्म फोर्सेस वगैरह के लोग अपनी जान में डाल के, जो जान को जोखिम में डाल के इतना सब करते हैं, और ये दुष्ट राजनेता उसमें पॉलिटिक्स करते हैं, तो ऐसे जज्बेदार जो लोग, मैं तो बिना जज्बे की बात भी कर रहा हूँ, जज्बा तो हम पैदा कर लेंगे, आप अपने जुड़े लोगों के क्या हमसे फोन नंबर शेयर करके उनको बताएंगे कि डीजीपी साहब आपसे बात करेंगे? बिल्कुल सर, बता देंगे। तो आपके ऐसे कितने लोग होंगे यदि मैं आपसे अपेक्षा करूं कि आप मुझे अधिक से अधिक कितने लोगों को दे पाएंगे? तकरीबन 1,000 के आसपास होंगे लोग और सर, ठीक है, तो क्या मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूं कि क्योंकि आप मैं जो है ना तीन तीन चार चार पांच पांच के बैचेज में मुझे जो है वो व्हाट्सएप पे पहले हेलो भेज दीजिए और उस पर मुझे भेजते जाइए। तो मैं कोशिश पर ये करूंगा कि उनको वीडियो कॉन्फ्रेंस में लेके मैं एक 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 से जो है ना, तो उससे क्या रहेगा कि हमारी एनर्जी बच जाएगी, यदि हम 10-10 से कोई एक उसमें लेके बात करेंगे तो मेरे ख्याल से बढ़िया हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है सर। है ना? क्योंकि देखो हमने ये निर्णय लिया है, जो हमने मॉडल बनाया है, क्या वो मॉडल मैं आपको समझाऊं? मॉडल मैं समझ लूंगा सर आपसे अच्छी तरीके से, उसे मेरे को शुक्ला जी ने सब कुछ बता दिया है। ये इतना पावरफुल मॉडल है तिवारी जी कि किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई भी राजनेता नहीं जीतेगा, अधिकांश लोगों की जमानतें जब्त हो जाएंगी, और ये वन एंड ऑल सभी पॉलिटिकल पार्टी की बात मैं कह रहा हूं, सही बात ना है सर। नेशनल ना रीजनल, कोई नहीं जीतेगा इस आंधी में, वही सरवाइव करेगा जो क्राइम फ्री भारत का सदस्य या चंद्रगुप्त होगा। रहे हैं तो सर। मैं एक मिनट में आपको थोड़ा सा खाका समझा दूं जिससे आपके अंदर वो एनर्जी आ जाए और आपको ये विश्वास पैदा हो जाए कि ये कितना आसानी से हो जाएगा, राइट? तो हमने इसमें, बल्कि उनको, जिनको आप बात करो उनको कहते जाएं कि आप वो हमको एक मैसेज करें, राइट? और यदि टेलीग्राम डाउनलोड कर लें और टेलीग्राम पे कर दें तो और अच्छा हो जाएगा, राइट? क्योंकि टेलीग्राम में 2 लाख तक लोग जो है ना एक ग्रुप में जोड़े जा सकते हैं, तो कम ग्रुप में हमारा काम चल जाएगा, एक ही ग्रुप में काम बन जाएगा करेक्ट? सर। नहीं, अब हमें तो 100 करोड़ लोगों को जोड़ना है तो एक ग्रुप में तो काम नहीं बनेगा। नहीं, मतलब एक रीजन की बात कर रहा हूँ, जैसे आप मान लीजिए कर्नाटका ले लेते हैं, वहां हाँ करेक्ट, से भी आपको 1 लाख मिल जाते हैं, तो हमारे ख्याल से तकरीबन कुछ न कुछ तो हो ही जाएगा सर। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और इसमें तो अपन को करोड़ मिलेंगे। कारण जानते क्या है? क्योंकि हर कोई किसी ना किसी से कनेक्टेड है ना, जब हर कोई अपने अपने सदस्यों को जोड़ेगा तो वो चैन तो जो है बिल्कुल ना 5-6 दिन में ही जो है ना हम पूरी कर्नाटका को कवर कर लेंगे। तो मैं जो है ना इस मॉडल को थोड़ा सा आपको ये कहना चाहूंगा कि आप मुझे नंबर फॉरवर्ड करने के पहले सामने वाले से बात कर लो कि क्राइम फ्री भारत के जो प्रेसिडेंट हैं और फॉर्मर डीजीपी हैं मध्य प्रदेश के, जो कि डीजी रेलवे, डीजी होमगार्ड, डीजी सिविल डिफेंस एंड डीजी जो है पुलिस रिफॉर्म रहे हैं, वो आपसे बात करेंगे, और आईजी ऑपरेशंस कश्मीर भी रहे हैं, और वहाँ पर बहुत तहलका भी मचाया हुआ है, टेक्नोलॉजी को डिज़ाइन करके हमने जो है वहाँ का हालात बदल दिए थे, ये ऑन रिकॉर्ड है, ठीक है ना? सर, अब जो है देश के हालात इन राजनेताओं को पराजित करके महापरिवर्तित भारत जो है 2024 में अवतरित होगा, जिसकी शुरुआत जो है वो कर्नाटका से होने जा रही है, ठीक है ना? हम जो है 18 तारीख को, देखो इसमें दो तरीके के लोगों को जोड़ना, थोड़ा सा खाका खेद देते फिर हम आपको टाइमलाइंस और डिटेल बता देंगे, ठीक है ना? तो बताइए। पहली जो बात है कि हमें जो है लोगों को दो तरीके से जोड़ना है, और वो लोग जो है दो तरीके के होते हैं। पहले होते हैं जो अपनी सोच, एक्सपीरियंस, अपनी क्षमता, पारिवारिक परिस्थितियों के कारण अच्छा भारत तो चाहते हैं लेकिन वो पर्दे के पीछे रहना चाहते हैं, राइट? जो पर्दे के पीछे रहना चाहता है उसे हमने क्राइम फ्री भारत का सदस्य कहा है,
राइट। राइट सर, और जो दूसरे लोग हैं जो कि कहते हैं नहीं, मैं अंगे आऊंगा और चंद्रगुप्त बनूंगा, ओपनली खुल के साथ देने वाले। देखो वो हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, वो भारत का साथ दे रहे हैं और ताज उनके सिर पे आने वाला है। देखिए अभी जो भी कोई पॉलिटिकल पार्टी है तो वो क्या कहती है कि हमें वोट दो, वो क्या कहती है कि हमारे आदमी को जिता दो। हम ये नहीं कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, लोगों को जोड़ो, जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेगा उसे ऊपर के 224 लोग, कर्नाटका की स्थिति में क्योंकि कर्नाटका में 224 की विधानसभा के सदस्य हैं, तो ऐसे लोग जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेंगे इनकी एक मेरिट लिस्ट 18 अप्रैल को जारी की जाएगी, ठीक है ना। उस लिस्ट के आधार पर जो है 19 तारीख और 20 तारीख को नॉमिनेशन जारी होंगे, मतलब फाइल किए जाएंगे, और लोग बाग लगातार इस पर, तो ये जो लिस्ट रहेगी ये प्रोविजनल लिस्ट रहेगी, राइट। फाइनल लिस्ट जो है 10 मई के, जो कि वोटिंग खत्म होने के बाद जो है शाम को जारी की जाएगी, और उसे जो है चंद्रगुप्त की फाइनल लिस्ट करेंगे, राइट। और वो सर, लिस्ट किस आधार पे बनेगी, मेरिट किस आधार पे बनना है कि आपने अपने प्रभाव क्षेत्र के लोगों को वीडियो दिखा के, चर्चा करके, शपथकृत करके, सदस्य या चाणक्य के रूप, चंद्रगुप्त के रूप में कितने अधिक से अधिक लोगों को जोड़ा है। तो जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेगा ऐसे व्यक्ति को जो है चंद्रगुप्त तो 224 को कहेंगे, राइट। लेकिन जो नंबर वन पे आएगा वो जो है कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनेगा, राइट। जो शुरू के 25-30 में आ जाएगा वो मंत्री बन जाएगा, और जो 224 में आएगा वो निश्चित रूप से विधायक बनेगा, क्योंकि और कोई तो जीतने वाला है नहीं, केवल क्राइम फ्री भारत के चंद्रगुप्त ही जीतेंगे। इस मॉडल में इतनी ताकत है और हमें 5 पैसे खर्च नहीं करना है। हमारा चंद्रगुप्त ना तो कोई कैनवासिंग करेगा, ना उसकी कोई होर्डिंग लगेगी, ना किसी पेपर में निकलेगा, ना टीवी चैनल पे इंटरव्यू होंगे, ना उन वो सर्वे में जाएगा, ना वो फ्री भी बांटेगा, वो 5 पैसे खर्च नहीं करेगा। और गारंटी के साथ ना केवल वो जीतेगा, जो तीन तीन चार चार पांच पांच छह छह बार के विधायक, सांसद और मंत्री हैं, वो ताश के पत्तों जैसे ढह जाएंगे, और ना केवल हारेंगे, उनमें से अधिकांश लोगों की जमानत जब्त हो जाएगी। इतना पावरफुल है ये मॉडल, बहुत पावरफुल मॉडल है। तो यदि जो है हमारे जेब के 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं और हमें जो है आधे लोगों को जोड़कर मुख्यमंत्री और मंत्री और विधायक बनने का अवसर मिल रहा है, और यदि हम मेरिट लिस्ट में पिछड़ भी गए, 224 के नीचे रह गए, तो हमें परिवर्तित कर्नाटका, परिवर्तित भारत मिल जाएगा। तो इस भाव में जुड़ना, और कहते हैं अजमाएं फिर विश्वास करें, तो जब 5 पैसे नहीं लग रहे हैं तो हमें अजमाना चाहिए कि नहीं अजमाना चाहिए। बिल्कुल चाहिए सर। हमें ज्यादा जो है छिद्रान वेशन के मैं समझूंगा करूंगा, क्यों समझोगे, क्यों करोगे, जो कुछ भी होगा आज से तो बेहतर ही होगा ना, ठीक, बिल्कुल आज सही से सर। बेहतर होगा कि नहीं होगा। आज तो जो है जो कितना गड़बड़ करके रखा हुआ है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, अच्छे लोगों को टिकट ही नहीं देते हैं, जो कार्यकर्ता जिनके कारण ये जीतते हैं उनके साथ विश्वासघात करते हैं, सही बात है सर। कार्यकर्ता खुद जो है ना त्रस्त हैं व्यवस्था से, और ये इन्हें राहत नहीं देते हैं। तो मैंने किसी से पूछा कि भैया इनके कार्यकर्ता हैं फिर इनको राहत क्यों नहीं देते हैं, बोले भाई साहब आप भी जो है ना कैसी बातें करते हैं, आप इतने समय तक प्रशासन में रहे हैं, अरे यदि ये इनको तंग नहीं करेंगे तो ये इनके दरबार में हाजिर कैसे होंगे, इनके चरणों में कैसे पड़े रहेंगे। तो आप ये बताइए, जो अपने जिनके कारण ये राजनेता बने हुए हैं वो अपने कार्यकर्ताओं को सिर्फ इसलिए त्रस्त रखते हैं कि जिससे कि वो उनके दरबार में आते रहें, उनकी चरण सेवा करते रहें, और उनको ये टिकट भी नहीं देंगे, प्रमोट भी नहीं करेंगे, उनको आगे भी नहीं बढ़ाएंगे। ये बात, ये जमीन की हकीकत है कि नहीं है। बिल्कुल यथार्थ सत्य, और यही हो ही रहा है एक्चुअली सर। अच्छा अब आप ये बताइए कि ये अच्छे लोगों को टिकट ही नहीं देते हैं। देखो आप जो है ना मध्य प्रदेश के हैं, मध्य प्रदेश का तो हमने आंकड़े देखे नहीं, कायदे से देखना चाहिए था, देख लूंगा।
अभी जो उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ है, जो आपके बगल में ही है, पटना से कोई दूर नहीं है, आपके रीवा से दूर नहीं है, बॉर्डर लगा हुआ है, वहां 2022 के चुनाव में 433 मेंबर में से 205 अपराधी हैं, जिस और वो भी बिल्कुल सही उनके कहा अपने आपने। एफिडेविट के हिसाब से, यदि उन्होंने कुछ छिपा लिया कुछ किया तो अपन को मालूम नहीं है, क्योंकि किसी ने वेरीफाई तो किया नहीं है ये, राइट। तो जो उन्होंने एफिडेविट भरा है, उस एफिडेविट के अनुसार जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन में भरा हुआ है, उसके अनुसार 403 में 205 अपराधी हैं, जिसका मतलब है 51%। तो आप मुझे बताइए कि आज उत्तर प्रदेश के उसमें कितने लोग हैं, 51% कानून के निर्माता हैं जो कि स्वयं अपराधी हैं। ये अच्छी व्यवस्था आपको क्यों देना चाहेंगे? कभी नहीं देंगे, वो तो अपराध को ही बढ़ावा देंगे और क्या। तो मेरा उसमें वही कहना है कि अब समय आ गया है कि हम जो है इनकी उल्टी गिनती करें। ये बात आप मान रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल सही बात है सर। यदि हम इनकी उल्टी गिनती करेंगे तो ये जो है हमें, हम इन्हें बड़ी आसानी से हरा पाएंगे। और यदि हम ये बिना 5 पैसे खर्च किए कर पा रहे हैं, तो क्या हमें अपने काम में विलंब करना चाहिए क्या? यदि ये 5 दिन में संभव है, ये चमत्कार 5 दिन में संभव है, तो हमें अजमा के नहीं देखना चाहिए? बहुत सुंदर। तो आप जो है मुझे एक तो इनके नंबर भेज दीजिएगा, और आपसे मेरा अनुरोध है कि क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको वीडियो में बहुत सारे कॉन्सेप्ट मिलेंगे। और हम हर दिन जो, आप ऐप से जुड़ जाइए, मैं अभी एक लिंक भेज रहा हूँ, तो आप क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप से जुड़ जाइए, राइट। और सर हम आपके इसमें ये क्राइम फ्री वाले में क्या है कोई उत्तर प्रदेश के रिटायर्ड डीजीपी सुब्रत त्रिपाठी जी भी हैं क्या सर? मुझे याद तो नहीं पड़ रहा है, वैसे सभी लोगों को मैं जोड़ता रहता हूँ, लेकिन त्रिपाठी जी कोई जुड़े हुए हैं मुझे आइडिया नहीं है। एक ही त्रिपाठी तो है, एक नहीं, उनका नाम है सुब्रत त्रिपाठी कुछ नाम है सूर यदि आप। प्रताप त्रिपाठी की बात तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, सुब्रत वो लिखते हैं सुभव्रत? SUBRT। नहीं, हाँ, मुझे ठीक ढंग से याद नहीं है, बल्कि उनको आप लिंक भेज दीजिए, उनको भी जोड़ लीजिए। ट्विटर हैंडल में यदि आप देखेंगे सुब्रत त्रिपाठी टाइप करेंगे मिल जाएगा। वो काफी मतलब गरीब लोगों की मतलब काफी से देखो मदद यार, देखो करते ये हैं। जो गरीब लोगों की अपन बातें कर रहे हैं, आप 5, 10, 100, 1000 को यदि कर लेंगे तो क्या फायदा हो जाएगा? आप देश को इकोसिस्टम बदल दो, गरीब को समृद्ध बना दो ना। आप उसको 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये क्यों देना चाहते हो? नहीं, जो पैसा नहीं देते हैं सर किसी को, फाइनेंशियल असिस्टेंट टोटल जीरो है उनके पास सर, मैं तो बड़ी ओपनली बात कह बोल रहा रहे हूं कि यदि हम इकोसिस्टम बदल के एक अच्छा भारत दे देंगे, हम हर गरीब को गरीबी मुक्त जो है ना समृद्ध भारत दे दें, तो इससे तो सुब्रत जी को तो हमसे तत्काल जुड़ना चाहिए। हैं। मैं कहिए तो बल्कि उनका मोबाइल नंबर और ट्विटर हैंडल नंबर सब दे दूंगा आप ट्विटर आपको। हैंडल मत दीजिए, केवल मोबाइल नंबर दे दीजिए, मैं उनसे बात करके उनको जोड़ने की कोशिश। किस बैच के हैं वो? बैच तो मेरे को नहीं, ठीक आप है, चिंता मत आप करिए, मैं खुद बात कर लूंगा उनसे। नंबर है तो सब कुछ पता चल जाएगा हाँ, एक्चुअली। नहीं, उन्हीं से बात कर लेंगे दूसरा ना। सर एक चीज और देखिए, अब शुक्ला जी ने मेरे को बोला था, मैं शुक्ला जी से 4-5 साल से जुड़ा हुआ हूँ क्योंकि अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद यहाँ मध्य प्रदेश में काम कर रहा था, अब तो ऑल ओवर इंडिया में काम कर रहा है, तो मैं भी उसी में काम कर रहा था धीरे धीरे। और खासकर मैं रहता था वहीं बेंगलोर में, इस वजह से हमने वहीं पे लोगों को जोड़ना चालू किया, 4-6 जिलों में यहाँ वहाँ जोड़ा है लोगों को। लेकिन वहां पे एक आर्मी के रिटायर्ड हैं, उदय नारायण शर्मा जी हैं। अच्छा, उदय नारायण शर्मा जी का नंबर आप सबसे पहले मुझसे शेयर कर लीजिए। हाँ, क्योंकि वो सर रिटायर्ड तो हवलदार से हुए हैं सर, लेकिन उनके लड़की दामाद वगैरह सब अपने इंडियन एयरफोर्स में एज ए फ्लाइंग पायलट वगैरह सब ज्वाइन कर चुके हैं, और लड़का जो है उनका आर्मी में डॉक्टर इस समय मेजर है, और मैडम उनकी सेंट्रल स्कूल की प्रिंसिपल है एक्चुअली सर। वाह, बहुत सुंदर। और तो वो वो यहीं जो है पे वो वहाँ, यहाँ पे कर्नाटका में ही है, बेंगलोर में हाँ, है? कर्नाटका में ही है, वेटरन्स इंडिया ग्रुप में भी वो जुड़े हुए थे, वेटरन्स अच्छा, इंडिया कर्नाटका में भी थे वो।
आप जो और इन ग्रुप में हैं ये मेरे नंबर को उसमें जोड़ पाएंगे क्या, या यदि आप खुद एडमिन ना हो तो जो एडमिन है उनसे रिक्वेस्ट कर लें। मैं सर ग्रुप में जोड़ देता हूँ आपको, ठीक और है पहले उनका नंबर दे देता हूँ, क्योंकि देखिए मैं उतना प्रभावी नहीं हूं, लेकिन वो आदमी कन्नड़ भाषा भी जानता है सर। आप चिंता मत करो, ये जो कुछ भी हो रहा है ये ईश्वरीय विधान के तहत हो रहा है। वो रहने वाले तो एक्चुअली इलाहाबाद के आसपास के हैं, लेकिन बहुत पहले वो उनका लड़का भी वहाँ पोस्टिंग पे रहा बेंगलोर में, तो वो वहाँ पे फ्लैट वगैरह ले लिए, दो तीन जगह बना भी लिए हैं, और सिक्योरिटी सिस्टम में या ऑडिट बजट में काम भी करते हैं वो, अरे बहुत सुंदर है तो। और उनके पास फॉरेन कंट्री की दो तीन डॉक्टरेट डिग्रियां भी है एक्चुअली सर। अरे वाह, ये तो बहुत विद्वान आदमी हो गए फिर तो वो। तो इसकी वजह से वो साथ में जुड़े रहे, हम भी हमने ही उनको जोड़ा था, अपने परिषद में ले आया था। बाद में उनसे बातचीत करने के बाद पता चला कि भाई ये तो काफी प्रभावी आदमी है, हाँ, तो मैंने उनको बोला कि आप एक काम कीजिए, कर्नाटका का ये अध्यक्ष आपको बना देता हूँ। तो बहुत सुंदर बहुत सुंदर। मेरे को बोलते हैं कि आप खुद अध्यक्ष नहीं, आप हमको कैसे बना देंगे। हमको बना देंगे, हम खुद कोई पोस्ट लेना नहीं चाहते हैं, लेकिन लोगों की सेवा करते हैं, चिंता मत कीजिए। ठीक है, 1000 आदमी जुड़े हुए हैं, आप इनको साथ में लीजिए और इसको आगे बढ़ाइए। क्योंकि देखिए पंडित जी, एक चीज बताऊं, सबके पास हर तरह की क्षमता नहीं होती है, बिल्कुल सही कहा आपने। पांचों उंगली बराबर नहीं होती। जो लीडरशिप आप काम कर सकते हो, शायद मैं नहीं कर सकता हूँ। ठीक कह है, रहे हैं आप, जो ठीक कह रहे हैं। 1000 आदमी के सामने खड़े होकर के मंच से आप जो उन लोगों को मतलब बता सकते हैं, समझा सकते हैं, शायद मैं बोल ही नहीं सकता हूँ। बहुत सुंदर। मैं बोलने के लिए खड़ा होगा, पता चला हाथ पैर कांपने लगे, गिर गए वहीं पे। अच्छा ये बताओ तिवारी जी, जो ये लोग हैं इनकी कोई संगोष्ठी हो सकती है जिसमें मैं उनके बीच में खड़े होकर हाँ, उनको उनकी बताऊं? हाँ संगोष्ठी होती है सर वहां पे, और ये गूगल मीटिंग उनकी चलती रहती है, ये सब लोग 40-50 आदमी एक साथ जुड़ते हैं गूगल अच्छा। मीटिंग में लिंक दे करके। तो उदय नारायण शर्मा जी एक्चुअली सर वो वेटरन्स इंडिया कर्नाटका फोरम भी 2 बार छोड़ चुके हैं, ओके क्योंकि वहां ये वेटरन के लिए बनाया गया, और देख रहे हैं कि लोग बाग नेतागिरी करना चालू कर दिए। देखो, यदि किसी महापरिवर्तन के लिए, देखो इसको नेतागिरी नहीं कहेंगे। नहीं, महापरिवर्तन नहीं है, बोल रहे बीजेपी का साथ दे दो, इसका साथ दे दो, और भाई हम वेटरन इंडिया बनाए हैं, आर्मी एयरफोर्स नेवी एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस के रिटायर्ड जवान जवानों के लिए, अफसरों के लिए, ताकि मतलब भविष्य में कुछ काम किया जा सके। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और आप इन्हीं वेटरन से आप चाहते हैं कि मतलब हम नेतागिरी करें? नहीं, हम महान भारत को पैदा करें, नेतागिरी ना करें। हाँ, तो हमने कहा और दूसरी बात ये यह है कि वैसे भी हम राष्ट्र नेता पैदा करेंगे, राजनेता नहीं पैदा करेंगे। ठीक है, तो हमने और कहा हम हम राजनीति नहीं करेंगे, हम राष्ट्रनीति करेंगे। तो इस वजह से वो उदय शर्मा जी छोड़ दिए, और मेरे को बोले तिवारी जी आप भी छोड़ दिए, कोई फायदा नहीं इसमें। ठीक है, नहीं, लेकिन आप और फिर से जुड़ जाइए, मत मत छोड़िए। तो देखो मेरा ये प्रभावी कहना है कि यदि जिस प्लेटफॉर्म से आप संदेश पहुंचा सकते हैं तो उसमें सभी खराब तो नहीं है। सही बात तो है। जो व्यक्ति इस महासंघर्ष से जुड़ के कुछ दिनों के प्रयास से, यदि हम 13 मई को क्राइम फ्री भारत मिशन की सरकार बना के, और किसकी सरकार में कौन होगा, जो खुद लोगों को जोड़ेगा, जो ऐसा चंद्रगुप्त जो कि सबसे ज्यादा लोगों को जोड़ेगा, वो महाराष्ट्र जो है ना, कर्नाटक का मुख्यमंत्री बन जाएगा। ऐसे 25-30 लोग जो सबसे अधिक लोगों को संगोष्ठियां करके क्राइम फ्री भारत के सदस्य या सर इन सब चीजों के बारे में वो पहले ही शुक्ला जी, परमात्मा शुक्ला, बता चुके हैं मेरे को। अच्छा, नहीं 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 सर, ये देखो मैं हमारी काफी बातचीत, देखिए डिटेल जस्ट ए मिनट, बात हम इसको इसलिए रिपीट कर रहे हैं कि ये किया हूँ चीज रिकॉर्ड हो रही है। जैसे ही हमारी वार्तालाप खत्म होगी उसके 5 मिनट के अंदर ये क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो जाएगी। तो जो बात हम कह रहे सर। हैं वो तिवारी जी के लिए नहीं है, वो जो बाकी सुनने वालों के लिए है। नहीं, बिल्कुल सही बात है सर, और मैं उदय नारायण शर्मा से 1 मिनट बात कर लेता हूँ, ठीक है, और आपके पास उनका नंबर दे देता हूँ, डायरेक्टली बात कर लेंगे आपसे। मैं अभी तत्काल पहले प्राथमिकता में उनसे बात करूंगा, और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मैं आपको लिंक भेजता हूं, आप तत्काल जुड़ जाइए, क्योंकि आगे की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हम अपने क्राइम फ्री भारत मिशन के जो वीडियो प्लेटफॉर्म है उस पर हर दिन 9 बजे करते हैं। तो जब भी आपको समय मिल जाए तो जुड़ जाइए। और अभी जो है हमारा फोकस 10 मई तक कर्नाटका रहने वाला है, और हम जो है आपको एक चीज, चाहे उसे संकल्प या घोषणा कह दो, 2024 में भारत स्तर पर
किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई भी राजनेता नहीं जीतेगा, ये मेरी भविष्यवाणी भी है और संकल्प भी है, किसी भी राजनीतिक पार्टी का। और जीतने वाले जो है क्राइम फ्री भारत के चंद्रगुप्त होंगे, और उन्हें कोई पहचान के चंद्रगुप्त नहीं कहेगा, वो खुद लोगों को जोड़ के अपने आप को चंद्रगुप्त स्थापित करेंगे। और इस कॉन्सेप्ट में चाणक्यों की एक फौज हमने तैयार की है, जो हर चीज के डोमेन नॉलेज के एक्सपर्ट हैं। ये उनकी जिम्मेवारी है कि इन 21 लक्ष्यों को जमीन पे उतारें, और वो कानून के मॉडल से लेकर टेक्नोलॉजी के मॉडल लाइव पहले जो है इवन सत्ता में स्थापित करने के बाद भी पहले वो लाइव पब्लिक से डिस्कस होगा, और हम उसमें कोई गोपनीयता नहीं रखेंगे, जिसको जो चुराना हो चुरा ले, ठीक है ना। और जो है पब्लिक से जो फीड आएगी उससे उसे हम रिफाइन करेंगे, और उसको रिफाइन करने के बाद फिर चंद्रगुप्तों से भी लाइव टेलीकास्ट होगा। तो कोई घटिया बात नहीं कह पाएगा कि साहब इसमें ब्राह्मणों का ऐसा कर दो, इसमें बनियों का ऐसा कर दो, इसमें ठाकुरों का ऐसा कर दो, इसमें कोई ठाकुर नहीं, कोई बनिया नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, कोई क्रिश्चियन नहीं, सब भारतीय हैं। सभी भारतीयों का, सभी जातियों के सभी भारतीयों का कल्याण होगा, सभी धर्मों के लोगों का कल्याण होगा, और एक समृद्ध भारत पैदा होगा, और ये चंद्रगुप्तों की मेहरबानी से पैदा नहीं होगा, ये करेक्ट चाणक्य उसके सूत्रधार होंगे। और चंद्रगुप्तों का भी जो लाइव डिस्कशन होगा उसमें वो घटिया बात नहीं कह पाएंगे, क्योंकि वो लाइव टेलीकास्ट होगा, और करेक्ट उसमें जो वो अच्छी बात कहेंगे उसको इनकॉर्पोरेट करके चाणक्यों की ये जिम्मेवारी होगी कि फिर वो फाइनल वर्सन लाएं। उस फाइनल वर्सन को जो है विधानसभा और पार्लियामेंट में हां की जीत और ना की हार की तर्ज पर उसे वो कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो और इसके बाद हर 6 महीने में 6 महीने के एक्सपीरियंस के आधार पर उसे रिफाइन किया जाएगा। तो वो भी नहीं है कि कोई चीज बन गई तो वो थुपी रहने वाली है, बिल्कुल नहीं थुपी रहेगी। ऐसा जो है ना भारत है। तो मेरे ख्याल से हम हल्की सी झलक तो आपको दे पाए कि ये कैसे होगा। और यदि आप क्राइम फ्री भारत के यूट्यूब चैनल को देखेंगे तो वो बता रहा है कि सर्टेनिटी के साथ जो तीन तीन चार चार पांच पांच बार के विधायक मंत्री मुख्यमंत्री हैं वो ताश के पत्ते के जैसे ढह जाएंगे। एक नहीं जीतेगा, एक नहीं जीतेगा, नॉट इवन वन। यदि हम अपने सदस्य संकल्प है, और सदस्य संकल्प मात्र 90 लोगों को जोड़ने का है, हमें अपने ही नेटवर्क के 10 लोगों को रोज ब्रीफ करके 9 दिन तक जोड़ना है, इतने मात्र से ये भारत बदल जाएगा। है ना, बहुत आसान। नहीं, बिल्कुल सही बात है सर। और इसमें जो चंद्रगुप्त बन रहा है, जिसके सिर पे हम ताज रख रहे हैं, वो दिमागी तौर पर बहुत प्रबुद्ध हो इसकी जरूरत नहीं है। तो हमें ये देखना ही नहीं है कि वो है कौन, क्योंकि हमने तो जो है जैसे चाणक्य ने ग्वाले के सिर पे ताज रख के जो ना अखंड भारत बना दिया था, ऐसे ही क्राइम फ्री भारत मिशन कह रहा है कि भाई साहब चिंता मत करो, आपका अपर स्टोरी यदि खाली भी है तो हाँ मैं हूं ना, राइट। और वो जो है बिना इनकी बुद्धिमत्ता, बिना इनकी सोच के नया भारत जमीन पे उतारने का ये मॉडल है। ये मॉडल सफल ना हो, क्योंकि यहाँ चाणक्य जो है वो निर्णायक भूमिका में है। जो सम्राट है, जिसके सिर पे ताज है, वो वैल्यू एडिशन तो कर सकता है, वो दुष्टता नहीं कर सकता है, वो चीजों को रोक नहीं सकता है, वो उसकी ताकत उसको दे ही नहीं जा रही है, और वो अपनी औकात पे जीत भी नहीं रहा है। वो तो थोड़ा बहुत लोगों को जोड़ के नंबर वन पे आ गया है, क्यूमुलेटिव जो फिगर जो 100 करोड़ का पहुंच रहा है वो उस चंद्रगुप्त की औकात से नहीं हो रहा है, वो तो ज्यादा से ज्यादा 1,000 लोगों को जोड़ेगा। तो आप 1,000 लोगों को जोड़ रहे हो, और हम आपको जो है ना निर्णायक भूमिका में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बना रहे हैं, तो आप हमारे ऊपर मेहरबानी कर रहे हैं या हम आपके ऊपर मेहरबानी कर रहे हैं। और हम देखा जाए तो किसी पे मेहरबानी नहीं कर रहे हैं, अपने देश को जो है ना बदलने का जो एक निर्णायक मॉडल लेके आए हैं, जो यदि तिवारी जी आप जैसे लोग थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो 13 तारीख को क्राइम फ्री भारत मिशन जो है वो सरकार बनाएगा, और इसकी जो वो है इसमें कोई पॉम्पेन शो नहीं होगा। जब हमारी भूमिका ही सीमित है, हमने 11,000 लोगों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ा, तो हमें इसको पब्लिक डिस्प्ले करने की क्या जरूरत है। लिहाजा 13 तारीख को ही इसमें
शपथ ग्रहण समारोह होगा जिसमें पब्लिक के किसी व्यक्ति को नहीं इनवाइट किया जाएगा। ये लाइव टेलीकास्ट होगा, जिसको देखना हो वो घर के कंफर्ट में देखे, ऐसा साधारण सा फंक्शन होगा। और ये शपथ ग्रहण समारोह 13 मई को ही होगा। अब आप सोच लीजिए कि हमने कितनी बारीक चीजों को आज से सोच के रखा है, और आपको हमसे बात करते हुए नहीं लग रहा है कि आज किसी की औकात है कि ये कह दे कि सभी राजनीतिक पार्टी के सभी राजनेता पराजित होंगे? नहीं, आपको आप इसके पहले कोई ऐसा व्यक्ति मिला है आपको? नहीं सर, तो फिर कोई ना कोई तो ऐसी वजह है, कोई ना कोई तो खासियत है इस मॉडल में कि मैथिली शरण गुप्त जो खुद 7 साल तक डीजी के पद पे रहे हैं, वो इतने वो दूध पीते बच्चे तो नहीं हो सकते। हो सकते हैं क्या? सर जो पूरे स्टेट चला सकता है तो कुछ भी कर सकता है सर। तो मैं वही कह रहा हूं कि जब तक मॉडल में जान नहीं होगी, तब तक मैथिली शरण गुप्त इतने कॉन्फिडेंस के साथ ऐसी बातें बिल्कुल नहीं कह सकते, और उनकी इतनी हिम्मत भी नहीं होगी कि वो जो है खुद जो है बड़ा उससे जो है ना वो कहें। ये कभी उनकी हिम्मत नहीं हो सकती है। आप मुझे बताइए, क्या किसी की इतनी हिम्मत हो सकती है कि इतनी बड़ी बात कह दे कि सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित होंगे, जिसमें तीन तीन चार चार पांच पांच 6 बार के विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री भी हार जाएंगे? सही बात। ये बड़ा विश्वास चाहिए। ये जो है तब तक नहीं कहा जा सकता है जब तक आपको अपने मॉडल के ऊपर 200% विश्वास ना हो, राइट? सही तो बात। अब अपन इस वार्तालाप को यहीं पे समाप्त करना चाहते हैं। आप जो है बंगलोर की जनता, कर्नाटक की जनता और भारत की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि ये रिकॉर्ड हो रहा है, ये संदेश उन तक अभी 10 मिनट बाद पहुंच जाएगा। हमारा संदेश तो यही कि हमारे ख्याल से सभी लोगों को इसमें जुड़ना चाहिए सर, और इस मुहिम को आगे बढ़ाना चाहिए ताकि पूरे भारत में सभी का भला हो सके। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। और ये जो चल रहा है यहाँ, नेतागिरी, दादागिरी, ये सब बंद हो जाना चाहिए सर। सभी सुखी रहेंगे तो बात वही हो गई सर। बहुजन हिताय, क्या एक कुछ सेंटेंस है आपका ऐसा, आपने ठीक कहा है, सर्व हिताय सर्व सुखाय। सर्व सुखाय। यस जो यस सभी सुखी रहेंगे तो हम भी सुखी रहेंगे। हाँ, सभी जाति के सभी धर्म के लोग जो है ना केवल सुखी रहेंगे बल्कि दे विल हैव द फुलफिलिंग लाइफ। ये करेक्ट 21 मॉडल कह रहे हैं कि क्राइम फ्री भारत में जो है कोई व्यक्ति गरीब नहीं रहेगा, सब समृद्ध हो जाएंगे। भारत में किसी की चेक बाउंस नहीं होगी, भारत में कोई दिवालिया नहीं होगा, भारत में इनकम टैक्स समाप्त कर दिया जाएगा, और क्राइम फ्री भारत के रेवेन्यू मॉडल से बिना टैक्स के आज जो सरकार कमा पा रही है उससे 20 गुना ज्यादा पैसा आएगा। 1 गुना नहीं, 20 गुना। तो जब 20 गुना हमारे पास पैसा है तो हम अपनी जनता को क्यों टैक्स करें? भाई सही बात। अल्टीमेटली आपका तो मकसद ये है ना कि डेवलपमेंट के लिए, सिक्योरिटी के लिए, इसके लिए, उसके लिए हमारे पास पैसा हो, है कि नहीं? जब आप मुझे बीस गुना बताइए। पैसा हाँ, रहे तो कुछ भी कर सकते हैं। तो मेरा कहना वही है। तो एक बार फिर से जरा जोरदार भाषा में जनता को अपना संदेश दे दीजिए। बहुत बढ़िया सर, हम तो यही चाहते हैं सर कि सभी लोग मिलके और साथ में चलें ताकि हम लोग जो है आगे सक्सेसफुल मिशन की तरफ बढ़ें और सभी समृद्ध रहें। हमारा बहुत तो यही सुंदर। कहना है सर, और मैं अभी इमीडिएटली बात करता हूं उनसे सर। और उन जिन जिन से बात होती जाए उनके नंबर मुझे भेजते जाइए, राइट सर, राइट? चलिए, तो तिवारी जी बहुत अच्छी बात हुई, और आपसे बात करने के बाद मेरा विश्वास 100 गुना बढ़ चुका है। अब मैं 13 मई को क्राइम फ्री भारत मिशन की सरकार को बनते हुए और कर्नाटका का और भारत का भाग्य बदलते हुए देख पा रहा हूँ। इसके लिए तिवारी जी मैं आपको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आपके बहुत बहुत कॉन्फिडेंस और आपके कनेक्शंस का उपयोग धन्यवाद करते हुए यह देश बदल आपका। जाएगा। आपकी बहुत महती भूमिका होगी, जिसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ और आपको धन्यवाद भी देता हूँ। राइट सर, यदि आपकी इजाजत हो तो अब इस वार्तालाप को यहीं पे विराम दें। जरूर सर, क्यों नहीं सर, आपकी हमारी याद क्या सर। नहीं, वार्तालाप में तो दोनों की सुविधा से ही उसे अंतिम उस पर होना चाहिए। तो तिवारी जी की इजाजत से इस वार्तालाप को यहाँ समाप्त करते हैं।
और पुनः आगाज और संकल्प को दोहराते हैं कि 13 मई को क्राइम फ्री भारत मिशन व्यवस्था प्रवर्तन का महासंखनाद करेगा और कर्नाटका का जो संखनाद है 2024 में पूरे भारत में गूंजेगा। 2024 में क्राइम फ्री भारत मिशन का संखनाद है, संकल्प है कि 2024 में राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी राजनीतिक पार्टी के किसी भी कोई भी राजनेता नहीं जीतेगा, केवल चंद्रगुप्त जीतेंगे और भारत में महापरिवर्तन का आगाज होगा। इस संकल्प के साथ इस वार्तालाप को यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे जय मातरम।